सैंडविचेस की खास चटनी बनाने के लिए ये देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत जरूरी है करना। ये बर्फ वाला बिल्कुल एकदम चिल्ड पानी है, इसमें मैं ये धनिया डाल दूंगी। ये धनिया फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसकी स्टेम्स थोड़ी थोड़ी साथ में रखी हैं, और ऐसे ही पुदीना ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये बहुत तीखी वाली हरी मिर्च है तो मैंने 4 हरी मिर्च ऐड की हैं। आपको ज्यादा तीखा खाना है तो आप थोड़ी सी और डाल सकते हैं, क्योंकि और इसमें हम खास कोई भी मिर्ची ऐड नहीं करेंगे। ये एक अदरक का टुकड़ा है ये भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो 3-4 कलियां इसमें लहसुन की भी ऐड कर सकते हैं। कम से कम 4-5 मिनट इस तरह से इन सब चीजों को हम ठंडे पानी में डिप करके रखेंगे। फ्रेंड्स इस स्टेप को करने से जो हमारी चटनी का कलर है वो एकदम हरा कचूर ग्रीन ही रहेगा। 5 मिनट के बाद इन सब चीजों को हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। ये 2-3 आइस क्यूब्स भी मैंने डाल दिए, आधा ये मेरे पास बड़ा नींबू है तो मैं आधा इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आप इसमें अगर आपका नींबू छोटा है तो पूरा डाल दीजिए। ये देखिए बेसन की सेवियां है मेरे पास, 2 चम्मच मैंने ये ली हैं। ये डालनी भी जरूरी है, आपके पास बारीक नहीं है मोटी वाली है कुछ भी है मतलब बेसन की सेवियां डालनी जरूरी है इसमें, मोटी बारीक कुछ भी। और ये है मेरे पास रोस्टेड चने 1 चम्मच, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे स्पाइसेस, इसमें हम ज्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे। आधा छोटा चम्मच सफेद नमक, आधा छोटा चम्मच ही इसमें मैंने काला नमक ऐड किया, और साथ में हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे काली मिर्च। कोई भी मिर्ची या कुछ भी और नहीं डालेंगे जिससे कि हमारी चटनी का कलर चेंज हो जाए। बस इन सब चीज थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन सब चीजों को मिक्सी में अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स जो पानी भी हमने इसमें ऐड करना है वो भी एकदम चिल्ड होना चाहिए, बस 2-3 चम्मच ही इसमें पानी ऐड किया मैंने। अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ये देखिए हमारी चटनी का कलर कितना बढ़िया आया है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी गाढ़ी बनी है। कोई भी सैंडविच हम बनाते हैं ये चटनी अगर उस पर लगाएं तो सैंडविच का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। स्पेशल सैंडविच चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए 2 टिप्स बहुत ही जरूरी हैं कि एक पहला स्टेप जो है वो हमने करना है इसको 5 मिनट के लिए कम से कम ठंडे पानी में डिप करके, आइस वाले ठंडे पानी में डिप करके रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा स्टेप ये है कि इसमें हम कुछ भी तरह की बेसन की सेवियां डालेंगे, चाहे वो मोटी हो बारीक हो कैसी भी, तो चटनी हमारी बहुत ही बढ़िया बनती है। ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से सैंडविच चटनी से सैंडविचेस बनाना, और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।